ऐसा ठीक है, किसने सर ट्राई अगर करा हम रिलेटिव? रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे तो उसे जीरो डालेंगे। देखते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड वी। तो कौन किसको देख रहा है पहले ये सोचो। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट बॉल सेकंड को देख रही है। मतलब फर्स्ट बॉल सेकंड को देख रही है या सेकंड फर्स्ट को देख रही है? चलो कोई बात नहीं, तुम घर पे ट्राई करना, फिर डिस्कस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ क्वेश्चन, क्या मैंने उसको काइनेमेटिक्स करके दिखाया? अब मैं चाहता हूँ वो सेम क्वेश्चन तुम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेवल 3 का है। एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल 30 एंड 60। ए की वेलोसिटी कितनी है? ए की, ए का एंगल दिया 100 30 और बी का 60, राइट? टू क्या ए की 300 वेलोसिटी या स्पीड दी 100 √3 एट इक्वल टू जीरो एंड ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 500 This observer sees B moving with constant velocity perpendicular to line of motion of A. यानी अगर A वर्टिकल है तो B हॉरिजॉन्टल। हाँ, ऐसा किसी कुछ आइडिया लगा क्या करना है? वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल के और हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर ट्राई कर रहा था। ठीक है, देखो मैं आइडिया देता हूँ। क्या एक एंगल दिया हुआ था? यस सर। 30 था, राइट? यस सर। और बी का कितना था? 60। ठीक, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफी सही लगता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या मैं एक ही वेलोसिटी गिवन थी? 100 √3 थी शायद, यस 100 √3। और एक एंगल था 30 डिग्री, बी का एंगल कितना था? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो जो बी की वेलोसिटी है उसके मैं कंपोनेंट्स लेना चाहता हूँ। सर ने ध्यान दिया मैंने क्या बोला? यस यस सर। बी के वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक ग्रीन वाला मैंने दिखा दिया है, दिख रहा है? यस सर। और एक ऐसा दिखा दिया। तो मैं जो कंपोनेंट लेना चाहता हूं बी की वेलोसिटी का,
दिख रहा है सबको, वो मैं लेना चाहता हूं परपेंडिकुलर टू ए एंड पैरेलल टू ए। तो पहले बताओ ये एंगल मैंने ठीक लिखा है 30 डिग्री? यस सर। ठीक है, टोटल एंगल 60 था, क्या ये भी 30 हो जाएगा? यस सर। क्या वीबी के दो कंपोनेंट आ गए, वीबी कॉस 30 एंड वीबी साइन 30? यस सर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, जो तुम लोग ए पे बैठे हो उसको कौन सी वेलोसिटी दिख रही है? वीबी साइन 30। बढ़िया, सही ना? यस सर। जो ए पे लोग बैठे हैं उनको वीबी साइन 30 दिख रही है, तो वीबी कॉस 30 क्यों नहीं दिख रही? कैंसिल, क्योंकि वो पैरेलल है, क्योंकि वो पैरेलल है एंड इक्वल है। सोच मैंने क्या बोली, सही है? यस सर। अगर तुम्हें वेलोसिटी सिर्फ वाई के अलोंग दिख रही है तो एक्स के अलोंग क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि एक्स के अलोंग वेलोसिटी सेम है। कॉस 30 कितना होता है? रूट 3/2। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई? 200। ठीक है, लॉजिकल लगा? यस सर। आप बताओ वी बी ए किसके इक्वल था? वी बी साइन 30। दिख रहा है? यस सर। और वी बी की वैल्यू कितनी हमारी? 200। तो वी बी ए कितना आ गया? 100। तो अगर कोई पर्सन ए को देख रहा है, ए को, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एयर कितनी दिख रही है? 100√3। 100√3। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एयर कितनी है? 200। 200। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है? 100। 100। सही है? यस सर। क्या टाइम का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड? यस सर। क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस बोली थी? 500 मीटर थी शायद, राइट? यस सर। और स्पीड कितनी थी? 100। 100 मीटर पर सेकंड। यस सर। तो इसका टाइम कितना लगना चाहिए? 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स। लॉजिकल लग रहा है? Yes. फिर इसमें जैसे हम बी और ए दोनों के कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकाल के नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, तो मैं दोनों के कह रहा हूँ, दोनों के कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। देखो, तो मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि तुम ए पे बैठे हो, है ना? तो मेरे ऊपर ए पर बैठे हो तो तुम्हें बी कैसा आता हुआ दिख रहा है? ऐसा था वो दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक बात बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो बी की जो रियली वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वाली, ये क्यों नहीं दिख रही है? इक्वल है, क्योंकि इक्वल है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात बताओ यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? A. तो क्या मैं ए को रेस्ट पे ले लूं? यस सर। यस सर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ऑब्जर्वर को मैं कैसा लेता हूँ? रेस्ट पे। रेस्ट पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बी के कंपोनेंट निकाल दूंगा। सही बात है? यस सर। बी के कंपोनेंट में कैसे निकालूंगा, एक अलोंग ए निकालूंगा और एक परपेंडिकुलर टू ए निकालूंगा। यस सर। ठीक बात है? यस सर। जो बी का कंपोनेंट अलोंग ए है क्या उसकी वेलोसिटी, मतलब वी बी का जो कंपोनेंट है अलोंग ए, उनको इक्वल कर देना चाहिए? यस सर। तो उससे वेलोसिटी ऑफ बी आ गई। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्टेंस वही स्पीड। यस सर।
तो क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ए को बी दिख रहा है वो परपेंडिकुलर आता हुआ दिख रहा है? यस सर। तो हमने लगा दिया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी की बनती है? 500 मीटर सही है? यस। और हमने स्पीड कितनी निकाली थी? 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लग गया रिलेटिव वेलोसिटी का, राइट? यस सर। ठीक है, तो मेरा इतना करो, नेक्स्ट क्लास में मैं कल करवाऊंगा तुम लोगों सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आज घर पे बैठ के कोशिश करो कि रिलेटिव वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई कर लो। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। तो आइडिया लग गया ना कि किस तरीके से सोचना है इसके बारे में? यस सर। ठीक है, साथ के साथ करते चलना। कल फिर मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करूंगा सर्कुलर मोशन। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।